जनता के लिए होना चाहिए वो आज की डेट में हो नहीं रहा है। राहुल गांधी का नाम सुनने के बाद जो आपके मन में प्रतिक्रियाएं आती हैं सबसे पहले पप्पू आता है, डोरेमोन ध्यान में आता है। आपका नाम? आनंद गुप्ता। मोदी सरकार के बारे में जब सुनते हो सबसे पहले तो आपके मन में क्या आता है? महंगाई। क्यों आता है महंगाई? महंगाई तो और भी सरकारों में थी ना? नहीं इतनी नहीं थी जितनी अब है, जितनी अब 100 रुपये लीटर तेल है, और भी है बहुत सारी चीज़ें जैसे गैस वैस है, आज की डेट में हर चीज़ में महंगाई है। मोदी सरकार को अगर रेटिंग देना हो तो आप क्या दोगे, अच्छी बुरी और घटिया, तीनों में से एक? जी इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। तीनों में से एक नाम देना आपको मोदी को, अच्छी बुरी घटिया। बुरी। बुरी हाँ। क्यों? जी जो जनता के लिए होना चाहिए वो आज की डेट में हो नहीं रहा है। अच्छा अगर आपको मोदी जी से मिलने का मौका मिले तो वो कौन से 3 सवाल होंगे पहले जो आप उनसे पूछना चाहोगे? जी पहले तो ये क्या कहते हैं कि गरीबों के बारे में जो किसान आज की डेट में जो आंदोलन चल रहे हैं पहले इन पे चर्चा होनी चाहिए, जो आंदोलन हो रहे हैं और जो ये गैस महंगाई चल रही है और भी सारी चीज़ें हैं उस पर देखना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में जब सुनते हो, राहुल गांधी का नाम जब सुनते हो क्या आता है जहन में सबसे पहले? जी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपका नाम? विश्वनाथ सिंह सकरवार। मोदी सरकार के बारे में जब आप पहली बार सुनते हो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले तो भाव आता है राष्ट्रभाव, देश भाव। भारत माता के सच्चे सपूत हैं मोदी जी। मोदी जी के आने से भारत का मान संपूर्ण विश्व में बढ़ा है। मोदी जी के आने से राष्ट्र भावना जागृत हुई है देश के लोगों के प्रति के मन में, और हमारी तो ये भावना है कि सदैव मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहें। मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्वगुरु अवश्य बनेगा, ऐसी हमारी 100% धारणा बन चुकी है। किन कारणों की वजह से आप ये बातें बोल रहे हैं? राम मंदिर एक बहुत जटिल समस्या थी, माननीय मोदी जी के कार्यकाल में वो निपटी। धारा 370 स्वतंत्र भारत से चली आ रही थी, जम्मू कश्मीर के लोगों पर अत्याचार हुए सबने देखा है, वो जटिल समस्या जो पूर्व की सरकारें कल्पना भी नहीं कर सकती थी निपटाने का, वो मोदी जी ने निपटाई। ऐसे अनेकों कारण हैं, देश में स्वच्छता का वातावरण है, सौहार्द है, दंगे समाप्त हैं, आतंकवादी हमले नहीं हो रहे, मोदी जी के अनेकों कारण हैं। अच्छी बुरी घटिया ये 3 रेटिंग मैं आपको देता हूँ, आपको मोदी सरकार को देना है, क्या देना चाहोगे? अच्छी रीज़न इससे पूर्व मैंने सारे आपको बताए, बुरा कुछ है ही नहीं। मोदी जी यहाँ शब्द आ गया, वहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, पवित्र ही पवित्र है, शुभ ही शुभ है, बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। आपको अगर एक दिन मोदी जी से मिला दिया जाए वो 3 सवाल जो आप उनसे पूछना चाहो? मोदी जी से मिलूंगा तो मैं सवाल तो उनसे नहीं पूछूंगा, उनके चरणों को स्पर्श करके खुद को धन्य मानूंगा कि मोदी जी के निकट जाके मैं उनके चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद प्रदान कर पाया। अच्छा ये बता दो अगर उनसे वो 3 बातें जो बोलनी हो जो आपके दिल में हो क्या बोलोगे? सवाल नहीं तो जवाब ही। मोदी जी से प्रश्न करना हुआ मुझे तो ऐसा पूछना है आपका, मैं अपने भाव प्रकट करूंगा कि आप सदैव प्रधानमंत्री रहे, आपके नेतृत्व में हिंदुस्तान विकास कर रहा है और हमारी अपेक्षा है कि आपके नेतृत्व में हिंदुस्तान विश्वगुरु अवश्य बनेगा, और जो अच्छा चल रहा है वैसा अच्छा चलता रहे। अभी योगी आदित्यनाथ के बारे में जब आप सुनते हैं पहला शब्द जो जहन में आता हो? योगी आदित्यनाथ जी के बारे में पहला शब्द सुनते ही, उनका नाम सुनते ही 200 रुपये की पोशाक है उनकी, कोई खर्चा नहीं है, सीधे लंगोट पहना, धोती लपेटी चल रही है, 100% ईमानदार, सिर्फ समाज सेवा के लिए ही उनका जन्म हुआ है, और योगी हैं, संत हैं, बाबा हैं, खुद के लिए तो कुछ करते नहीं हैं। उनको यूपी का मुख्यमंत्री लंबे समय रहना चाहिए, आप देख रहे हैं यूपी में गुंडागर्दी, बलात्कार, अत्याचार लगभग उन्होंने समाप्त कर दिए, उनको अगर इस बार अवसर और मिलता है तो यूपी का विकास अच्छे स्तर पर होगा। योगी जी ने अभी जिस तरीके से जगहों के नाम बदलना स्टार्ट किया है, जो ये नीति है इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो पूर्व में जगह तो नाम मोदी जी योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, आक्रांताओं के नाम पर तो कोई प्राचीन राम जी का देश है,
राम जी के ऊपर नाम रखे जाते हैं, प्रयागराज नाम रखा जाता है, तो उसमें क्या आपत्ति होगी? हिंदुस्तान है, हिंदुओं के जो पूर्वज हैं, हिंदुओं के जो पूजनीय हैं, उन पर नहीं रखा जाएगा तो क्या मक्का थोड़ी रखा जाएगा यहाँ पे नाम? जो हमारे पूजनीय हैं, जो बहुसंख्यक समुदाय है, उनकी जो आस्था का केंद्र है, उनकी भावना की माननीय योगी जी कदर कर रहे हैं, उन भावनाओं के हिसाब से नाम रखे जा रहे हैं, सबको प्रसन्नता है इस पर। इस पर मुझे नहीं लग रहा किसी को आपत्ति होना चाहिए। राहुल गांधी का नाम सुनने के बाद जो आपके मन में प्रतिक्रियाएं आती हैं, सबसे पहले पप्पू पप्पू आता है, डोरीमोन ध्यान में आता है। नहीं नहीं, उनसे कारण तो राहुल गांधी जी के विषय में तो फिर बाइट बहुत लंबी हो जाएगी बताने में, वो तो एक एपिसोड बन जाएगा। कपिल शर्मा भी फेल हो जाएंगे उनके विषय में बताएंगे तो। हाँ, अब जैसे उनसे वो मध्य प्रदेश में आए थे, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मंच से छात्रों ने उनसे पूछा कि आप मानसरोवर की यात्रा करके आए हैं, आपका अनुभव क्या रहा? तो राहुल गांधी जी का बड़ी हंसी आती है सुन के, अनुभव कि मैं ऊंचाइयों पर था, मैं नीचाई देख रहा था। तो इस प्रकार के बयान से डोरीमोन और वही समझ में आता है पप्पू।